मैंने निर्देश दिया है, यहाँ नए जिलाधिकारी जल्दी ही ज्वाइन करेंगे और उनके उपस्थिति में माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ जो विभाग से जुड़े अधिकारी बैठक करेंगे और उसका समाधान निकालेंगे। जैसे 17-0 भारतीय जनता पार्टी 17 नगर निगम, विपक्ष 0-0-0, वैसे 2024 में भारतीय जनता पार्टी 80 लोकसभा सीटें अपने गठबंधन के साथ जीतेगी, विपक्ष 0-0-0। अच्छी सरकार चलाने के लिए विपक्ष मजबूत होना जरूरी है, ऐसे में विपक्ष अगर 0 रहेगा तो क्या सरकार की कार्यशैली? हमारी जिम्मेदारी विपक्ष को जिताने की नहीं, भाजपा को जिताने की। धन्यवाद। नगर निगम जीते हैं, आप किसको श्रेय देंगे? पार्टी को? पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात परिश्रम किया है, जनता ने आशीर्वाद दिया है, डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां रही हैं, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रही है और जो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, जातिवाद की राजनीति करते थे, गुंडागर्दी करते थे, दंगागर्दी करते थे, उनकी राजनीति के पूर्ण विराम के लिए जनता ने अपना फैसला सुनाया है। संकेत जो है सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगा रहे हैं, एक वर्ग विशेष को टारगेट करने की बात की जा रही है, इमरान मसूद हो या ओरियन ने हो, सहारनपुर से भी जो भी ऐसा आरोप लगाते हैं उनको कहीं अपनी आंखों की जांच कराएं। अपराधी जो है वो कोई जाति धर्म में नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है, किसी निर्दोष को। धन्यवाद। ये तो सपा बसपा कांग्रेस मैडम निश्चित पासवांडा ही नहीं, जो गरीब मुसलमान है वो भाजपा को पसंद करना शुरू किया है, सपा बसपा कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल का भविष्य खतरे में हो गया। धन्यवाद। सारे ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है, निगम पे देनदारी करोड़ रुपए की है लेकिन बजट सिर्फ लाखों रुपए का है, कैसे सहारनपुर का? आप चिंता मत करिए, जनता के आशीर्वाद से जो सफलता मिली है उसको निश्चित तौर से सहारनपुर को कमल यहाँ खिला है ना, तो सहारनपुर को भी कमल की तरह खिलाएंगे। मैंने आज निर्देश दे दिया है, समीक्षा करके हर काम बहुत जल्दी होगा। चलो कोई कमी रह गई होगी, लोकसभा में सुधार देंगे। धन्यवाद। कोई समस्या होगी दूर करेंगे। दवाई जो आया बना कुछ ठीक करवाएंगे, कहा है।